दोस्तों, वीवो के 5G फोन में आप किसी को कॉल लगाते हैं तो जो आपका 5G नेटवर्क है वो चला जाता है। तो दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी का सेटिंग यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जैसे आप किसी को कॉल लगाते हैं, किसी से बात करते हैं, आपके पास कोई कॉल आ जाता है, तो जो आपका 5G नेटवर्क है वो तुरंत हट जाता है, वहाँ पे 4G नेटवर्क आ जाता है। जो आपका इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है, या आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका जो नेट है वहाँ पे स्लो हो जाता है, तो काम नहीं करता, और बार बार ये आपके प्रॉब्लम आती रहती है। जितनी बार आपके पास कॉल आएगा उतनी बार जो आपका 5G नेटवर्क है वो चला जाता है, तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाता है क्योंकि जो आपका नेटवर्क है वो 4G हो जाता है। दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने डायलर को ओपन करना है जहाँ से आप फोन लगाते हैं। तो हम अपने डायलर को यहाँ पे ओपन कर लिए, आप देख रहे हैं हमारा डायलर है यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको एक नंबर डायल करना है। तो हम यहाँ पे आपको एक कोड बताते हैं जिसको आपको यहाँ पे डायल करना है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है *#*#4636#*#*#। हम उसको यहाँ पे डायल करेंगे *#*#4636#*#*#। आपको ये चीज़ यहाँ पे डायल करना है, और इसके बाद यहाँ पे तीन सेटिंग आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलता है फोन इन्फॉर्मेशन, आपको इस पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके फोन का कुछ डाटा आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा LTE ओनली, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग आ सकता है, और यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करने के लिए एक थोड़ा सा क्लिक यहाँ पे मिल रहा है, वो आपकी ट्रिक है, यहाँ पे बटन है, आपको इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी नीचे आना है, या आपको ऊपर में भी ऑप्शन मिल सकता है, ये ऑप्शन आगे पीछे भी होते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है NR ONLY, और उसके नीचे आपको मिलता है NR LTE। दोस्तों, आपको NR ONLY को नहीं यूज करना है, आपको NR LTE पे क्लिक कर देना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके छोड़ देना है। जब आप इसको क्लिक करके छोड़ देंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग ऑन ऑफ नहीं करना है, यहाँ से सीधा आपको कट कर देना है। जैसे आप इसको कट कर लेंगे, इसके बाद आपको सेटिंग को यहाँ से हटा देना है, और आपका जो 5G नेटवर्क है वो आपके फ़ोन से नहीं जाएगा। आप बात करेंगे तभी जो आपका 5G नेटवर्क है वो नहीं जाएगा, या आप कॉल आएगा तभी जो आपका 5G नेटवर्क नहीं जाएगा, जो आपका इंटरनेट है वो चलता रहेगा। और इस तरह से अपने 5G नेटवर्क को यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में 5G नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।